कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी? जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपना स्टेटमेंट दिया है, क्या कुछ कहा सुनिए जरा। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती थी और प्रोटेस्ट कर सकती थी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती को उनके बयान पर ना सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें नसीहत भी दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हमारे लोगों की साल और टोपियां उतारकर चेक की जाती थी और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 370 हट गया तो हम प्लाट खरीदेंगे। हम प्लाट खरीदना बस की बात नहीं है, ऐसा है। महबूबा मुफ्ती को अब समझना चाहिए, कांग्रेस दिल्ली में नहीं बैठी है, अब बैठी है भारतीय जनता पार्टी और बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। और 370 जब हट जाता है तो वहाँ पे भी वही कानून लगेगा जो देश के हर कोने में लगता है और हर नागरिक वहाँ पे अब प्लॉट लेगा और वहाँ प्लॉट लेकर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देगा, जिसको आप लोग ने पकड़ के रखा था सेपरेटिस्ट के हाथ में।